हेलो फूडीज, वेलकम टू अमेच्योर जंक्शन। आज हम देखेंगे बहुत ही आसान और कम सामान में झटपट बनके तैयार होने वाली नारियल की बर्फी। तो बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन को लो हीट पे गरम कर लिया है और उसमें एक टेबलस्पून घी डाल दिया है। घी गरम हो जाने के बाद पैन में 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट या जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं वो डाल देंगे। अब इस नारियल को हमें 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली चलाते हुए सेक लेना है। ध्यान रखें, गैस को लो फ्लेम पर ही रखें और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहें क्योंकि नारियल बहुत जल्दी जल जाता है। अगर आपके पास ग्रेटेड कोकोनट या कद्दूकस किया हुआ नारियल हो तो उसे 2 से 3 सेकेंड के लिए 2 बार मिक्सर में चला ले। आपका घर पर ही नारियल का बुरादा बन जाएगा। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और नारियल में से बहुत अच्छी धीमी धीमी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम 1 कप स्वीटेंड कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो 3/4 कप डालें। और अब इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते रहना है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो इसमें आप 1 कप चीनी डालें और 1.5 कप दूध डाल दें। आप चाहे तो इसमें 1/4 कप मलाई भी डाल सकते हैं, तब दूध की क्वांटिटी 1 कप कर दे। अब इसी स्टेज में आप चाहे तो इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे नारियल की बर्फी में नारियल का टेस्ट ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप किया है। इसे सेकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये पैन से चिपकना बंद हो गया है और आसानी से पैन से अलग हो रहा है। अब आप गैस को बंद कर दे और इसे जल्दी से एक घी लगे हुए प्लेट में निकाल ले। ये प्रोसेस आपको थोड़ी जल्दी करनी है क्योंकि पैन की गर्माइश की वजह से नारियल अभी भी जल सकता है। मैं इसके आधे पोर्शन में कलर डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे आधा डिवाइड कर लिया है। अब इस पोर्शन को एक घी लगे हुए प्लेट में जल्दी से निकाल ले और आपको जितना मोटा चाहिए और जैसा शेप चाहिए उस हिसाब से सेट कर ले। अब जो दूसरा बचा हुआ पोर्शन है उसमें आप आपके पसंद का कोई भी फूड कलर डाल दे। मैं यहाँ पर होममेड फूड कलर यूज कर रही हूँ जो ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल है और हार्मफुल केमिकल फ्री है। और आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बनाकर 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं और बेझिझक सभी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कलर को भी मैंने नारियल में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने जो पहला पोर्शन सेट करके रखा था इसे भी उस पर डाल देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। अब डेकोरेशन के लिए इस पर मैं कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ। आप चाहे तो इस पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या फिर डेकोरेशन वाला पार्ट कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। अब हम इस बादाम और पिस्ता को इस तरह से बर्फी के ऊपर चम्मच से दबा लेंगे जिससे कि वह बर्फी में अच्छे से सेट हो जाए और खाते समय और काटते समय गिरे ना। अब हमें इसे सेट कर लेना है, तो आप चाहे तो इसे आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दे या फिर 3 से 4 घंटा ऐसे ही बाहर रहने दे। मैंने इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दिया था और अब आप देख सकते हैं कि ये बर्फी सेट हो गई है और कट करने के लिए तैयार है। अब आप इसे अपने मनचाहे शेप और साइज में कट कर ले। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करें और आपके फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।